हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं स्टूडियो में फिर से नहीं हूं, लेकिन आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो विस्की अल्कोहल बेवरेजेस के मास्टर हैं। हालांकि मैं भी रिव्यूज करता हूं, लेकिन आज मैं आप लोगों को लेके चलूंगा एक ऐसी जगह पे और मिलवाऊंगा एक ऐसे इंसान से जो कि सीरियस में एक्सपर्ट है इस फील्ड के अंदर। बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज है उनको, बहुत ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा मैं आज लेट हो गया हूं। कौन है, कहां रहते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको रास्ते में बताऊंगा, वहां पहुंच के बताऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं जहां मुझे पहुंचना था दोस्तों। लेकिन अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, ब्रीफिंग देना चाहता हूं जिनसे हम मिलने आए हैं, जिन पर्सनालिटी से हम मिलने आए हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी ने स्टार्ट करा था अपना करियर ITC होटल के अंदर, 2 साल उन्होंने वहां जॉब करी। उसके बाद एज ए टी प्लांटर दार्जिलिंग के अंदर उन्होंने जॉब ज्वाइन करी और 33 साल तक 33 ईयर तक उन्होंने वहां पर जॉब करी एज ए टी प्लांटर, प्रोफेशनल टी टेस्टर, वो दोनों थे वहां पर। और 33 साल गुजारने के बाद वो वापस आ गए हैं जयपुर। एक बात और दोस्तों, पुष्पेंद्र सिंह जी गोल्फ प्लेयर हैं, वाइल्ड लाइफ लवर हैं और गेस्ट को होस्ट करने का उनका एक अलग ही अंदाज है। हालांकि अब दार्जिलिंग में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने घर को एज अ नेचर क्रिएट कर रखा है, नेचर ब्यूटी, नेचर की गोद में रहते हैं वैसे बना रखा है। कैसे बना रखा है, चलिए आपको अंदर चल के बताते हैं हम। How are you? Nice meeting you. Same here, sir. So finally हम पहुंच गए हैं पुष्पेंद्र सिंह जी के घर पे। बहुत ही well maintained house इन्होंने बना रखा है, उसका भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या स्टोरी है इसके पीछे। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा पुष्पेंद्र सिंह जी के लिए कि एज ए टी प्लांटर आप विस्की लवर कैसे बन गए, कैसे आप उधर से इधर स्विच हो गए। तो hands over to पुष्पेंद्र सिंह सर। तो ये एक लंबी कहानी है ड्रिंकिंग को लेके। ओके, इस जब विस्की की बात चल रही है, सो विस्की तो हम बचपन से ही शुरू कर दी थी पीनी, स्कूल के टाइम में भी, और हमारे घरों में विस्की पीना टेबू नहीं था क्योंकि हम राजपूत हैं, तो हमें पीना घर पे सिखाया जाता है कि कैसे पी जाती है, कैसे ड्रिंक के साथ बिहेव किया जाता है, कैसे बड़ों के साथ बैठ के पीने की तरीका क्या है। सो आफ्टर ऑल ये सब एटिकेट्स सीख लिए थे हमने। लेकिन जब मैंने टी गार्डन ज्वाइन करने के पहले मैंने 2 साल होटल ज्वाइन की, ITC होटल्स में मैं मैनेजमेंट ट्रेनी था, तो उस दौरान विस्की कुछ ज़्यादा पीने लगा। फिर मैं वहाँ पे बिकेम लाइक अ फैशन, एंड देन वहाँ से मुझे टेस्ट का थोड़ा सा इंटरेस्ट होने लगा। ओके, और उसके बाद मैं टी गार्डन चला गया और वहाँ तो वीक में 2 बार हम पीते ही थे, एक दिन क्लब डे होता था। ओके, इस दिन हम गेम्स खेलने जाते थे। ओके, तो वहाँ गेम्स के बाद में वी वुड सिट एट द बार एज यंगस्टर्स एंड वी स्टार्ट यू नो ड्रिंकिंग कुछ भी, एंड संडेज को क्लब डे हुआ करता था, सैटरडे या संडे को। सो वीक में 2 डेज वी यूज्ड टू ड्रिंक। ऑफ कोर्स द जर्नी डिडंट स्टार्ट विद स्कॉच और एनीथिंग, इट स्टार्टेड विद नॉर्मल विस्कीज, एंड आई थिंक उस जमाने में ब्लैक नाइट आती थी, एंड My favorite was Peter Scott at that time. Okay, Peter Scott. अभी भी आ रही है जो। अभी आ रही है, पर वो बहुत different हो गई है। मैंने बहुत different है, changes आ गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा। हाँ, taste भी change हो गया। Taste change हो गया, but obviously. और उस ज़माने में मुझे याद है वो 80 रुपए की आती थी। No idea, वो बिल्कुल idea नहीं। आज तो शायद वो 1200 रुपए से कम। हाँ, 1000 cross कर गया है वो। So it's a long journey. तो वहाँ से फिर हमारे टी गार्डन में एक ट्रेंड था कि पार्टीज
डूज या ऑफिशियल डिनर्स, और हमारे ऑफिशियल डिनर्स पे नॉर्मली स्कॉच की सर्व की किया जाती थी। मैं 80s की बात कर रहा हूँ जी, जबकि नॉर्मली स्कॉचेस बाजार में इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। जैसे वैसे मैंने मेरी फर्स्ट स्कॉच 1973 में जब मैं कॉलेज में था तब पी थी, और वो थी ग्रांट्स। ओके, लॉन्ग बैक। लॉन्ग बैक वो फर्स्ट टाइम मैंने स्कॉच पी थी, कोई लाया था, मेरे फ्रेंड के अंकल थे वो लाए थे। एंड दैट वॉज ऑल्सो मेड बाई ग्लेनफिडिच, द ग्रांट्स वॉज ग्लेनफिडिच कंपनी पहले। ओके, तो ये बाद में बनी जी जी, फिर ग्लेनफिडिच का इनका सेपरेशन ग्रांट्स एंड कंपनी। एनीवे, एंड वी केप्ट ड्रिंकिंग, एंड तब फिर मेरे को शौक आया कि एक विस्की से दूसरी, दूसरी से तीसरी, उसमें फ़र्क क्या है। पर अनफॉर्चुनेटली उन दिनों इंटरनेट नहीं था, सो इतनी नॉलेज इजीली अवेलेबल नहीं थी, तो मैगजीन्स या कोई बाहर से आता या कोई ट्रैवल करके आता तो उसी से हम सुनते थे। नॉर्मली मैगजीन्स वर द यू नो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड व्हाटएवर बॉटल्स में लिखा होता तो वो तो इट इज नॉट वेरी श्योर कि वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। बट हाँ, अब्रॉड में लिखना सही होता है क्योंकि उनको पेनलाइज कर देते हैं। इंडिया में तो कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, एग्री विद यू, ब्लैंक कर देते हैं, स्कॉच कर देते हैं, डेफिनेटली। सो वो जर्नी एक शुरू हुई, और आप देखें कि 85 से फिर पीते रहे, तो 90 तक तो आई वाज ड्रिंकिंग इंडियन व्हिस्कीज, और फ्रॉम 90s टू 99 आई वाज ड्रिंकिंग ओनली स्कॉचेस। फिर मैं सीनियर हो गया था, मैनेजर बन गए थे, तो यू नो ऑल दैट जी सर। सो देन 99 से आई स्विच्ड ओवर टू सिंगल मॉल्ट्स, and from 99 to date I am drinking mostly single malt. Mostly single. Scotch भी तो single malt is my favorite, so I buy single malt. Okay. And main journey of my education on whiskey. जी हाँ. Started when I retired more because मैं अमेरिका जाने लगा, बच्चों मेरे बच्चे वहाँ हैं. जी जी. So I used to go and travel. So whenever I used to go and travel, I used to buy one bottle. Okay. पी लेता था, then उसको आधी पी के छोड़ देता था, फिर मैं दूसरी bottle ले आता था. फिर उसको उससे टेस्ट करता था, उसको उससे टेस्ट करता था, तो फिर ये लगा कि हाईलैंड, लोलैंड, कैंपलटाउन और यू नो स्पेसहाइड, इन सब की कैसे क्या चेंज है। तो एक एक बॉटल वो खरीद ली। ओके, फिर आयरिश विस्की खरीद ली। ओके, फिर बर्बन्स खरीद ली जी। तो मैं 6-6 महीने रहता था, तो काफी समय था, और मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, मैं पढ़ने लगा, और फिर मैं नोट्स बनाने लगा। ओके, एंड अपने लिए, आई हैड नो इंटरेस्ट ऑफ जी जी अदर काइंड। So that is the journey it happened. And when I retired and I came back, then I started. जब Instagram तो मेरे को 1-2 साल में COVID से ही शुरू हुआ। Okay. तो फिर मैंने एक वो group बनाया। उसके पहले मैंने एक WhatsApp group बनाया अपने अपने दोस्तों के। ठीक है। तो वो 50-60 दोस्त हमारे जो हैं, जो पीने वाले थे, तो उनमें हम डालने लगे। तो मैंने whiskey lovers उसके ये एक WhatsApp group। Okay. तो WhatsApp group के बाद जब कोविड आ गया और कहीं जा नहीं पाए, गोल्फ भी नहीं खेल पाए, जी जी जी, तो मैंने फिर ये इस पे इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, पढ़ने लगा और लिखने लगा, फोटो में डालने लगा। फोटो तो मेरे पास थी, मैं लेता था पहले बहुत दिनों से। ओके, सो दैट्स दैट्स वेयर आज हम आपके साथ बैठे हैं। इतने बढ़िया चैनल, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। प्लेजर, आई कीप वाचिंग योर चैनल्स। थैंक यू, एंड आई आल्सो लर्न फ्रॉम योर चैनल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल सर, लेकिन मेन हमारा आज यहाँ पे आने का रीज़न ये था कि आज हम वो एक्सपीरियंस जो सालों से हुकुम के पास है, आज वो हमसे शेयर करेंगे विस्की के रूप में। तो कौन सी विस्की का हुकुम आज हम रिव्यू करने वाले हैं? विस्कीज तो बहुत सारी हैं मेरे पास, लेकिन आप बताएं कौन सी विस्की कोई। कैन वी स्टार्ट विद समथिंग इंडियन, जो हमारा इंडियन ब्रांड हो। इंडिया में बहुत अच्छी सिंगल मॉल्ट्स बनने लगी हैं जी। मेरा ख्याल है हमारे पास एक अच्छी विस्की निर्वाणा आई है, नई विस्की है। ठीक है, और वो सिंगल मॉल्ट है। ओके हुकुम, तो क्यों ना हम बिल्कुल उसको ही टेस्ट करें। बिल्कुल, तो चलिए हम सब लोग चलते हैं और टेस्ट करते हैं निर्वाणा विद एक्सपर्ट ओपिनियन विद मिस्टर पुष्पेंद्र सिंह सर। ओके, तो निर्वाणा हमारे साथ है और आज व्हील्स ऑफ व्हिस्की कुछ भी नहीं बोलेगा, जो बोलेंगे पुष्पेंद्र सिंह जी ही बोलेंगे। आज एक्सपर्ट रिव्यू के लिए आए हैं हम यहाँ पे, तो सारी चीजें, सारी डिटेल डिस्कशन जो भी होगा उनकी तरफ होगा, तो हम रहेंगे साइलेंट। हमेशा बोलता बहुत ज्यादा हूं मैं, लेकिन आज नहीं बोलूंगा। आज हुकुम ही बताएंगे क्या है इस व्हिस्की के बारे में, बिकॉज इंडिया की है, सिंगल मॉल्ट व्हिस्की है, और आगे की कहानी पुष्पेंद्र सिंह जी के जुबान जी हो। तो आज हम जैसे निर्वाणा को आपने बोला रिव्यू करें, जी जी, तो वैसे तो आप लोगों ने रिव्यू देखी होगी, काफी रिव्यू आई हुए हैं, कई लोगों ने कर चुके हैं,
लेकिन क्योंकि एक विस्की ये उन्होंने बनाई है सिंगल मॉल्ट, और जो कि स्कॉच पीने वाले सिंगल मॉल्ट की तरफ जब जाना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शनरी विस्की के नाम से ये पॉल जॉन ने बनाई है, और इसको थोड़ी सी स्मूथ बनाई है कि, और इसकी इसकी जो 40% ABV ही रखी है, इतनी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो है ये चिल फिल्टर है और इसमें कोई कलर मिला हुआ नहीं है और ये अनपीटेड है। सो ये उन लोगों के लिए है जो नई सिंगल मॉल्ट पीना शुरुआत करना चाहते हैं। तो हम लेट अस पोर सम। ये 6 row बाली से बनाई हुई है। नॉर्मली यूरोपियन विस्कीज जो हैं वो 2 row बाली से बनाई जाती हैं, जिसकी बाली में 6 गुच्छे होते हैं जैसे, और जो 2 row बाली होती है वो कहते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। और 6 row बाली जो हमारे यहाँ राजस्थान से ही जाती है और हरियाणा में भी बनती है, ये लोग वहीं से इसको प्रिक्योर करते हैं, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसकी यील्ड कम हो सकती है रेशियो इन मेकिंग द मैश, बट इसके फ्रूटी टेस्ट और थोड़ा हनी कोम टाइप का टेस्ट जो है इससे ज़्यादा आता है, ये उनकी कहने का मतलब। Cheers. Cheers. Fruits, fruity, some peaches, banana, overripe banana, vanilla of course, all American oak चार्ट जिसे कहते हैं अमेरिकन ओक्स में जो ये मैच्योर की गई है, इसको 4 साल मैच्योर की गई है। ओके और इंडिया की 4 साल मैच्योर करने का मतलब हुआ करीब 12 साल यूरोप की या स्कॉटलैंड का, ये इंडिया की एक खासियत हो गई है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम सिंगल मॉल्ट्स बना लेंगे इंडिया में, और पॉल जॉन और अमरुद बहुत बढ़िया सिंगल मॉल्ट्स बना रहे हैं। सो वनीला and fruits, okay. And if you want to see the legs and to see how strong or how light the whiskey is, तो इसमें legs दिखते हैं नीचे आते हुए, वो अगर slow आ रहे हैं तो stronger whiskey है, और अगर fast आ रहे हैं तो थोड़ी सी lighter whiskey है। So let's take some little water to open the whiskey, इसकी smell थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, और we can be able to see. बहुत थोड़ा पानी, ये भी थोड़ा सा अच्छा पानी की क्वांटिटी हमें कम ही रखनी है। हाँ, इसको कम ही रखें टेस्ट करने के लिए, अगर आपको पीने के लिए बाद में अगर पानी डालना है तो दैट्स ओके। सो इट हैज चेंज मोर फ्रूट्स, मोर वनीला, मोर हनी, टेस्ट पे चीयर्स वंस अगेन। वेरी प्रोमिनेंट वनीला, कैरमलाइज्ड वनीला, नाइस फ्रूटी स्मेल जिसे कहते हैं आफ्टर इफेक्ट ऑफ पियर्स एंड हनी। सो दैट्स इट, एंड फ्रूटी वनीला, लिटिल स्वीट ऑन द टंग, एंड इट्स गॉट अ शॉर्ट फिनिश। वो फिनिश क्या कहते हैं, वो फिनिश ये है कि जब आपने पी ली उसकी तो कितनी देर तक उसकी आपके माउथ के अंदर सराउंडिंग एरियाज में उसकी जो स्मेल या उसके वो कितनी देर रहती है या उसके एनोवसिस कितनी देर रहते हैं, दैट इज इट। सो इट्स अ नाइस विस्की, यू मस्ट ट्राई। फॉर ऑल पीपल हु वांट टू स्टार्ट ऑन सिंगल मॉल्ट्स, वांट टू ग्रेजुएट टू सिंगल मॉल्ट्स, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड हाई एंड कॉकटेल विस्की। इसकी कॉकटेल्स जो सिंगल मॉल्ट से कॉकटेल्स बनाना चाहते हैं, ओल्ड फैशन बनाना चाहते हैं, विस्की सार्स बनाना चाहते हैं, उसके लिए एक्सलेंट विस्की है। जैसे कि कई और विस्कीज भी आती हैं जो कि कॉकटेल्स के लिए बनती है, जैसे आपने लोगों ने सुना होगा एक मंकी शोल्डर आती है, तो उसी के कंपैरिजन में ये विस्की मैं उसको कंपेयर करूँगा। विच इज दिस, चीयर्स। चीयर्स वंस मोर।
तो चलिए बात करते हैं प्राइस की, अल्कोहल बाय वॉल्यूम की। तो प्राइस इस विस्की की राजस्थान में है 2500 रुपए, 2500 रुपीज में मिल जाएगी। गोवा के अंदर 1700 रुपीज में मिल रही है और ये क्रॉस बॉर्डर यूएस के अंदर $30 के अंदर मिल रही है। तो मतलब इतनी कम प्राइस के अंदर बजट सिंगल मॉल्ट विस्की मिलना मुश्किल है, और उस मुश्किल को आसान किया है हम इंडियंस ने। पॉल जॉन इंडियन कंपनी है, और अगर बात करें इस ब्रांड की तो ये इंट्रोड्यूस हुई थी इन द ईयर 2019, और इसको जो कंपनी बना रही है उसका नाम है जॉन डिस्लरी, जो कि बेस्ड है गोवा के अंदर। चीयर्स फॉर निर्वाणा। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा रिव्यू अबाउट दिस सिंगल मॉल्ट विस्की। तो दोस्तों जिसका बजट कम है, जो सिंगल मॉल्ट विस्की से स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन स्टार्टिंग में जिनको पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना है, तो ये बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। तो बताइए कैसा लगा आपको आज का हमारे ये एपिसोड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, ऐसी कोई बात है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप पुष्पिंदर सिंह जी को अप्रोच कर लीजिए इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके इनको फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, हर मैसेज का ये जवाब देते हैं। अगर आपने इनका अकाउंट देखा होगा तो इन्होंने हर विस्की का डिटेल रिव्यू करा हुआ है, जो आपको बहुत कम अकाउंट्स के अंदर मिलेगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, या आप बहुत ज्यादा विस्की लवर हैं और आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो जवाब हमारे पास यहाँ जयपुर के अंदर है। आपको सिर्फ आपके स्टेट से बैठ के मैसेज करना है और आपको हर जवाब, हर क्वेश्चन का जो जवाब है वो मिल जाएगा। तो चलिए जाते हैं, टाइम टू से गुड बाय, जल्दी आएंगे नए एपिसोड के साथ विद और एक्सपर्ट। तब तक चीयर्स एंड गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।